खुश हो ना तुम? मेरे लिए आने वाली फैमिली तुम्हें पसंद करकर चली गई, पूरे घर में तुम्हारी वाह वाह हो रही, बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है तुम्हें। यकीन करो अफसर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। चाहती थी तुम, ऐसा ही चाहती थी। मुझे तो तुम्हारी तैयारी और खुशी देख कर ही समझ जाना चाहिए था कि तुम चाहती हो कि मुझे रिजेक्ट करके तुम्हें पसंद किया जाए। जानबूझकर इल्जाम क्यों लगा रही हो मुझ पर? अच्छा, मैं इल्जाम लगा रही हूँ? ठीक है, तो फिर मुझे गलत साबित कर दो। जाओ अभी जाके अम्मी अब्बू को कहो कि अगर उन्होंने तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाने की कोशिश की तो तुम खुदकुशी कर लोगी या इस घर से भाग जाओगी। फजूल बातें मत करो, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा कभी नहीं करूंगी और ना ऐसा चाहूंगी। ठीक है, तो फिर देखना, मैं उनके सामने खुद आके इनकार करूंगी, उनको बेइज्जत करके घर से बाहर निकालूंगी। हफ्सा, क्यों हमारी जिंदगियों में जहर घोलने पर तुली भी हो तुम? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं सुकून से मर भी ना सकूं? मैं अपने सुकून के लिए ये चाहती हूँ कि दानिया की शादी वहां ना हो, बस। क्यों क्यों ना हो? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हें पसंद नहीं किया? ऐसी बात नहीं है अब्बू, वो खुद बता के गई है कि दानिया और उनके बेटे का जोड़ अच्छा है। वाह वाह, वो यहाँ बैठ कर जोड़ियां बनाकर चलेगा और आपको खामोशी से देखते रहे? जिस घर में बेरी होती है पत्थर भी वहीं आते हैं। ये हमेशा से गलत बातों पे फसाद डालती है, पागल है आपकी बेटी। आप अपने काम से काम रखें, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। हमारा मामला नहीं, दानिया का मामला है अफसा, और यहाँ सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं दानिया की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, मारे मुझे, मार दे, मेरा किससे खत्म कर दे आप लोग। खुदा के वास्ते इसको मेरी नजरों से दूर कर दे। आओ अफसा मेरे साथ। अब्बू मैं, मुझे, आओ मेरे साथ आओ। मैंने लापरवाही से दानिया को देखा, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।